Hello students, career option in 2019 काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेनिफिट मिलेगा एक एक बात अगर आप इस वीडियो की सुनोगे तो। ये वीडियो उनके लिए है जिन बच्चों के पास कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे आपने जनरली सिर्फ ट्वेल्थ किया है साइंस कॉमर्स आर्ट की माध्यम से, या आपने ग्रेजुएशन किया है इन सब्जेक्ट्स की माध्यम से, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इसमें मैं कोई भी कोर्स रिकमेंड आपको नहीं करूँगा करने को, एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा जिसके माध्यम से आप क्विकली अपने फाइनेंशियल कंडीशन सही कर पाएंगे। भविष्य में कैरियर सेट करने का दो ही तरीका है। पहला, प्री प्लान्ड कैरियर। क्या मतलब है इसका? कैरियर की पहले से प्लानिंग, यानी आप पहले सोच लो कि टेंथ तक मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है, ट्वेल्थ में ये सब्जेक्ट लेने के बाद मुझे इंजीनियरिंग मेडिकल या किसी और चीज़ की तैयारी करनी है और उसमें सक्सेस हो जानी है, तो ये हो गया आपका प्री प्लान्ड कैरियर। लेकिन कितने बच्चे कैरियर को प्री प्लान करते हैं? मैक्सिमम 10%, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये जो 10% है, आप इसको मान लो कि ये प्री प्लान्ड बच्चों का 100% क्वांटिटी है, ओके? अब ये जो प्री प्लान्ड बच्चे हैं 100%, ज़रूरी नहीं कि ये सभी सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। इनमें से भी सिर्फ 10% बच्चे ही प्री प्लान्ड करियर में सक्सेसफुल हो पाते हैं। बाकी के जो 90% बच्चे होते हैं, उन्होंने तो पहले से ही करियर को प्री प्लान करके रखा था। फिर वो करते क्या हैं? जो उनका ड्रीम होता है उनको पाने के लिए वो काफ़ी कोशिश करते हैं। ऐसा करने से कुछ बच्चों को उनका ड्रीम मिल भी जाता है, यानी कि वो जिस फील्ड में जॉब्स वगैरह लेना चाहते हैं उन्हें मिल भी जाता है। लेकिन मिलने से होता क्या है? जब तक मिलता है तब तक वैसे बच्चों की एज काफ़ी निकल चुकी होती है। यानी कि आप यूँ समझिए कि प्री प्लान्ड कैरियर जो होता है वो एक अंदाज़ा होता है हमारा फ्यूचर में सक्सेस होने का, लेकिन इसकी पूरी गारंटी नहीं होती है। अगर आप मोर सक्सेसफुल लोगों की हिस्ट्रीज पढ़ोगे तो वहाँ कहानी के तौर पे लिखा गया होगा कि उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ाई की होंगी, या उन्होंने इतने घंटे पढ़ाई किया है तब जाकर आज उनका कैरियर इतना सक्सेसफुल है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसमें 90% फॉल्स ही होती है, क्योंकि सक्सेसफुल बनने के बाद अपने आप उनकी यूनिक स्टोरी बना दी जाती है। क्योंकि आज वो सक्सेसफुल है इसलिए ये स्टोरी बनी, अगर सक्सेसफुल नहीं होते तो स्टोरी नहीं बनती। तो करना क्या है? प्री प्लान्ड करियर को रिमूव कीजिए अपने दिमाग से। सक्सेस मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो आधा से ज़्यादा उम्र बीत जाएंगी। हमें नहीं करना शुरू से इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन, या नहीं करना मेडिकल की प्रिपरेशन, क्योंकि इनमें अगर आप सक्सेस होते हो तो इनकी लिमिटेशन है। इन चीज़ों में समंदर नहीं है कि आप इतना नाम कर लोगे कि पूरे वर्ल्ड में आप फेमस हो जाओगे। आप इन चीज़ों में सक्सेसफुल होने के बाद बस एक अच्छा खासा मिडिल क्लास फैमिली ही जनरेट कर सकते हो, जिनका रिस्पेक्ट सिर्फ उनकी फैमिली में होगा और उनके मोहल्ले में या उनके जानने वाले लोगों में। अब सेकेंड प्रकार जानते हैं कैरियर सेट करने का, सजेस्टेड कैरियर। क्या मतलब है इसका? किसी ने आपको कह दिया कि आप ये काम कर लो और आपने मान लिया, तो ये सजेस्टेड कैरियर के अंतर्गत आता है। तो ये जो सजेस्टेड कैरियर होता है ये प्री प्लान्ड कैरियर से काफ़ी अच्छा होता है। कैसे? कोई भी आदमी आपको कैरियर सजेस्ट कब करता है? जब उसे पता चलता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो आदमी उसी प्रकार का आपको कैरियर सजेस्ट करेगा जिसमें एट अ टाइम पैसे आने की संभावना होंगी। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? कम से कम आपका आर्थिक स्थिति जो उस वक्त चल रहा होगा वो सही हो जाएगा। तो इस मोटो के अनुसार प्री प्लान्ड कैरियर से बेटर माना जाता है सजेस्टेड कैरियर को। अब जैसे आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी फैमिली की कंडीशन काफ़ी ख़राब है और उस वक्त भी आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे 30,000 की जॉब मिलेंगी तभी मैं काम करूंगा, क्योंकि इससे कम में तो मेरा कुछ होगा नहीं।
लेकिन उस वक्त किसी ने आपको ऐसा जॉब रिकमेंड कर दिया जिसमें सिर्फ आपको 6,000 की सैलरी मिलने वाली है, तो अगर आप उस मिनिमम अमाउंट को उस वक्त एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप यूँ समझो कि ये जो मिनिमम अमाउंट आपको मिला है इसी से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको मैक्सिमम अमाउंट कैसे मिलेंगी। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट के चक्कर में अगर आप मिनिमम अमाउंट वाली जॉब को छोड़ देते हो तो जब तक आपको मैक्सिमम अमाउंट की जॉब मिलेंगी तब तक आपका जो ख़राब कंडीशंस होगा वो काफ़ी क्रिटिकल हो चुका होगा। अब मैंने ये बात आपको क्यों समझाई 30,000 और 6,000 वाला, ताकि अभी जो मैं आपको कैरियर सजेस्ट करूँ आप उन पे ध्यान दो और आप उनको मानने का कोशिश करो। अभी जो भी कैरियर मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये कैरियर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए होगा। जो करेंट लाइफ आप जी रहे होंगे उस लाइफ को सही करने के लिए मेरे द्वारा सजेस्ट किया गया कैरियर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले कॉमर्स वाले बच्चों की बात करते हैं। ज़रूरी नहीं आपने इंटर किया हो कॉमर्स से या ग्रेजुएशन किया हो। जिस फील्ड में हम पढ़ाई किए होते हैं हमें उसमें क्विकली करियर बनाने के लिए सबसे पहले वैसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो ऑलरेडी उस फील्ड में सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब कॉमर्स वाले बच्चों को करना क्या है ये ज़रा जानिए। आप ढूंढिए कि आपके आसपास सीए का ऑफिस कहाँ है। सीए यानी कि चार्टर अकाउंटेंट, वहाँ जाइए बिना कुछ सोचे हुए। एटलीस्ट एक रिज्यूम लेकर जरूर जाइएगा, जितना भी आपने पढ़ाई किया होगा और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होंगी उनका, ओके। और ज़रूरी नहीं वहाँ जाने से पहले आपको किसी से जान पहचान होनी चाहिए, एटलीस्ट आप उनके यहाँ यानी कि उनके ऑफिस में एक बार ज़रूर जाओ और उनको आप सिर्फ इतना बोलो कि मैं आपके यहाँ वर्क करना चाहता हूँ, ओके। अब जब आप इतना बात कहोगे तो वो डायरेक्टली आपको बोलेंगे कि मेरे यहाँ कोई भी वर्क आपके लिए नहीं है। जैसे ही वो ये बात बोलते हैं आप उनको उसी वक्त फ्रीक्वेंटली बोलो, एकदम क्विकली। और हाँ, ये बात बोलते वक्त आप अपने फेस का एक्सप्रेशन थोड़ा सही रखोगे, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपके फेस पे थोड़ा सा भी टेंशन नज़र ना आए। हो सकता है आप हंसते हुए उनको बोलो, मैंने रिसेंटली अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है और मुझे आइडिया नहीं है कि अकाउंट के फील्ड में किस तरह से काम होता है। सैलरीज की मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, एटलीस्ट आप कुछ दिन मुझे अपने यहाँ काम करने दे। अब जब आप सैलरी नहीं लेने की बात करोगे तो ऐसा 100% चांस है कि उनके द्वारा मान लिया जाएगा। अगर आप सैलरी लोगे नहीं तो आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा ये ज़रा सुनिए। जब आप उनके यहाँ ज्वाइन कर लोगे तो वो क्या करेंगे, अपने काम को आपसे करवाएंगे। बस आपको वो काम करनी है कुछ महीनों तक। अब कैरियर लाइफ टाइम सेट करनी है तो कुछ तो सेक्रीफाइस आपको करनी होगी। एटलीस्ट आपने इतना दिन पढ़ाई किया है तो कुछ दिन तो और सेक्रीफाइस आपको कर लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना हो। अब जिस वक्त आप उनके काम को कर रहे होंगे या जितना दिन आप उनके यहाँ काम करेंगे आपको उतने दिन में जाननी है कि उनके कौन कौन से क्लाइंट है। जो भी उनके क्लाइंट होंगे वो हमेशा सीए के ऑफिस में आते होंगे या जो सीए होंगे वो ऑलरेडी उनके यहाँ जाते होंगे। तो आप कोशिश कीजिए क्लाइंट के पास पहुँचने का, यानी कि आपको क्लाइंट के साथ सीए से अच्छा रिलेशन बनानी है। ऐसे ही करते करते कम से कम 5, 6, 7 क्लाइंट से आपको अच्छी तरह से जान पहचान कर लेनी है। अब आपको काम भी करने आता है और आपके पास कस्टमर भी हो चुके हैं। बस इतना सीखने के बाद आपको पूछने की मुझसे आवश्यकता नहीं है या किसी से कि आपको आगे कैरियर कैसे सेट करनी है। 5 क्लाइंट से ही 50 क्लाइंट बनेंगे, लेकिन तब जब आप इनके पूरे काम को सीख जाओगे। और इनके काम को सीखने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। फिर देखिए काम करने के दौरान ही कैसे आइडिया आपके दिमाग में आता है कि अब आपको काम करनी कैसे है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर आप साइंस या आर्ट से बिलोंग करते हो और अगर आप जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं या आपको क्विकली करियर कैसे सेट करना है तो एटलीस्ट आप कमेंट कर दीजिए। अगला वीडियो साइंस और आर्ट वाले बच्चों के लिए ही होगा। वेब इंस्टीट्यूशन की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।